हेलो, मैं कुछ इस प्राइसिंग मशीन के बारे में कुछ आपको एक्सप्लेन करना चाहता है। कौन सा कंपनी का मशीन है, उसमें कौन सा ऑप्शंस है, कैसा प्राइस किया जाता है, कैसा ऑन है, कैसा ऑफ है, ऑफ किया जाता है, फिर बाद में हीटिंग मोड कहाँ पे है, वो एलसीडी वगैरह क्या क्या आता है उसमें, कैमरास का वगैरह, थोड़ा सा जो भी है इंटरनली उसका जो भी सेटअप है मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले अपने को देखना, ये जो मशीन है ये एलसेंटिक केमन S1 कंपनी का मशीन है। ओके, ये मतलब मेड इन कोरियन है। उसको आपने को सबसे पहला चालू करने के लिए पावर ये करना है, ऑन करना है। वही सेम अगर उसको ये करना है बंद करना है तो वो ये करना पड़ेगा। सबसे पहले अपन पावर ऑन किया। ओके, उसके बाद में ये सब स्क्रीन के ऊपर सब वो आएगा, उसका जो भी सेटअप आएगा। अभी चालू हो रहा है, देखो रेडी पोजीशन में आ गए तो हो गया। अभी सबसे पहला ऊपर लिखा है, ये जो है राइट साइड में जो है ना 5 चेक किया हुआ है, ये सब ये बैटरी का है। ओके, ये सब बैटरी मतलब फुल चार्ज है अभी बैटरी। उसके बाद में ये जो है ना, ये प्लाइस मोड 1 पे रखा है। प्लाइस 1 मोड मतलब एक ही प्लाइस कर सकता है फिलहाल। और ये जो है ना ऐटो मतलब सिंगल मोड और मल्टी मोड फाइबर, वो अपन साथ में कर सकते हैं। इसके लिए अपन ऐटो में डाला है। और ये हीटर मोड 1, जो हीटर है ना हीट मोड 1 के ऊपर डाला है। इधर देखो ये जो है ना, उसी के अंदर अपन अगर ये करते प्राइसिंग करने के बाद में यहाँ पे ऊपर वो फ्लोटेशन स्लीव डाल के यहाँ पे हीटिंग करना है। ये जो ऊपर का जो है ये यहाँ पे मतलब 60 mm का फ्लोटेशन स्लीव अपन हीटिंग कर सकते हैं, और उसके नीचे जो है उसमें 40 mm का फ्लोटेशन स्लीव हीट कर सकता है। तो ये है हीटिंग का प्रोसीजर। उसके बाद में अपने को यहाँ पे जाना है, कुछ ऑप्शन अगर प्राइसिंग का कुछ ये है मतलब मेथड वगैरह कुछ चेंज करना है तो यहाँ पे जाना है, मतलब इसमें जाना है मेनू में। सबसे पहले देखो सिलेक्ट प्राइस मोड, उसको अपने को एंटर करना है। उसके बाद में ये देखो एक ऐटो आता है, ऐटो सिंगल मोड NZDS और मतलब मल्टी मोड। अपना इंडिया में तो दो ही टाइप का खाली फाइबर यूज़ किया जाता है, एक तो रहता है ये मतलब सिंगल मोड और रहता है दूसरा मल्टी मोड। इसी के ऊपर अपने को ये सब एंटर करना है, मतलब दोनों का दोनों बोथ फाइबर अपन सिंगल मोड और मल्टी मोड दोनों का दोनों फाइबर अपन प्लाइस कर सकते हैं। और जो उसी के है नीचे ये जो है, अगर इसमें चाहे खाली ये मतलब सिंगल मोड ही चाहिए तो खाली सिंगल मोड ही आप नहीं कर सकते हैं। और ये जो है तो इंडिया में नहीं, ये भी नहीं, और खाली अगर समझो ये अगर है मतलब कौन सा मल्टी मोड है, अगर मल्टी मोड का खाली करना है तो मल्टी मोड में अपन कर सकता है। लेकिन नॉर्मली देखो अगर यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है ऐटो सिंगल मोड और मल्टी मोड में आपने को ये मतलब रखना है। ओके, फिर बाद में उसको एंटर करना है पीछे, और सिलेक्ट हीटर मोड, फिर उसके नीचे आके हीटर मोड अपने को ये करना है। ओके करके फिर देखो 1.60 mm स्लैश यस 16.0 इसमें रखेगा तो 60 mm और 40 mm का दोनों भी स्लीव अपन प्रोटीजन स्लीव हीट कर सकते हैं। ओके, और ये तो नीचे का कोई मतलब ये नहीं है, और बाद में अपन क्या आएंगे बैक आएंगे। अभी सबसे नीचे का है आर्क कैलिब्रेशन। ओके, आर्क कैलिब्रेशन मतलब क्या रखता है, जब कहाँ भी अपन ऑप्टिकल फाइबर का ये फ्यूजन प्लाइस करने के लिए जाता है वो टाइम पे मतलब ये इसको मशीन को मालूम नहीं रहता कि वो फाइबर कौन सा टाइप का है, मल्टी मोड है सिंगल मोड है। मल्टी मोड में 50 ये मतलब 50 माइक्रॉन है, फिर मतलब 62.5 माइक्रॉन है। तो वो एक बार आपको ने को दो साइड से उसको मतलब कटिंग बिटिंग करके प्रिपरेशन करके यहाँ पे उसको ये करके रख के ना, फिर वो कैलिब्रेशन आर के ही करना है, कैलिब्रेशन करना है, तभी वो मतलब पहचानता है एक दूसरे को। तो फिर एक बार उसका सेटिंग होता है ना तो ऑटोमेटिक फिर वो फाइबर के साथ में अपन प्लाइसिंग कर सकते हैं। ओके, उसी के बाद में नीचे आएगा क्या ये है, कौन सा प्लाइस ऑप्शन को उसको अपन ये करेंगे ओपन करेंगे। डिफॉल्ट में जाने के लिए इधर कोई मतलब करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये तो ऑटोमेटिक उसी के अंदर तो सेटिंग्स होती है, उसमें ज़्यादा कोई करने की अपने को ज़रूरत नहीं। उसके बाद में बैक आइए, उसके नीचे ये प्राइस हिस्ट्री, मतलब अभी तक आपने जितने भी प्राइस किए 1,000 2,000 प्राइस 4,000 प्राइस करके अगर आपने को देखना है तो पूरा है, पूरा हिस्ट्री है इसमें। ओके, ये पूरा ये कौन सा डेट को कितना ये हो गया, अभी अभी
कहाँ कहाँ पे प्लाइस किया, कितना प्लाइस किया, कितना डेट, मतलब कौन सा डेट था, वो डेट में कितना अपन प्लाइस किया। ओके,